नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज और मैं आपके साथ एस्तर कुमारी। मधेपुरा से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। मधेपुरा में बकरी ईद पर्व को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। मधेपुरा जिला के मुरलीगंज थाना परिसर में बकरी ईद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से मधेपुरा सदर अनुमंडल के SDM नीरज कुमार एवं SDPO अजय नारायण यादव शामिल थे। SDM नीरज कुमार ने शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में बकरीद पर मनाने को लेकर लोगों से अपील किया। वहीं नीरज कुमार ने कहा कि कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार 6 अगस्त तक सभी धर्म स्थल खोलने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, इसलिए आप लोग अपने घरों में ही अच्छी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से बकरीद पर्व मनाएंगे। वहीं SDPO अजय नारायण ने लोगों से आपसी भाईचारा के साथ बकरीद पर्व मनाने को कहा। साथ ही उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर के आने की संभावना भी व्यक्त की, जिससे लोगों को जागरूक रहने की कहा। मौके पर वीडियो अनिल कुमार CEO, मुकेश कुमार सिंह थाना अध्यक्ष, अखिलेश यादव सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। शुरू हो रहा है और लगभग 2 या 3 दिन के करीब जो है ये कार्यक्रम है। उसी तरह से आप लोग भी जो नमाज वगैरह है, जुम्मा का नमाज भी हमें लगता है घर में ही अभी भी हो रहा है, तो 6 अगस्त तक जो प्रोटोकॉल है उसको हम लोग प्रकार का जो है ना होता क्या है ना कि कोई छोटी सी बात होती है कम्युनिकेशन गैप होता है। बकरीद है, इसी उद्देश्य से आज मुरलीगंज थाना पे शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। उद्देश्य है शांतिपूर्ण ढंग से बकरीद का पर्व हम लोग मनाएं और कोविड प्रोटोकॉल को भी फॉलो करें, क्योंकि यह देखा जा रहा है जैसे कोरोना का प्रकोप कम हुआ है, लोग जो है बिना मास्क के घूमना शुरू कर दिए हैं और भीड़ लगा रहे हैं, जबकि अभी भी कोविड का जो प्रोटोकॉल है वो लागू है। भीड़ इकट्ठा नहीं करना है और जो भी धार्मिक सामाजिक आयोजन है बहुत सीमित में करना है, और हमारे जो भी धार्मिक स्थल हैं वो अभी 6 अगस्त तक बंद है जो सरकार का निर्देश है। तो लोग घर में अच्छे से शांतिपूर्वक ढंग से अपना पर्व मनाएं, यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद। Watching our voice news for daily news updates and do follow, like and share this video. Thank you.